आज हमारे साथ में मेहमान के तौर पे हैं श्री रमाकांत बरनवाल जी, जो कि अपने जीवन का 23 वर्षों का एक लंबा कार्यकाल दिया, एक पत्रकार के तौर पे लेखनी के आप धनी रहे दैनिक जागरण से। इस समय आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सुल्तानपुर जनपद का पूरा प्रभार आपके ऊपर है नवसत्ता से, तो जबकि 2023 चल रहा है सर, तो आज के इस नए वर्ष पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को, हमारे इस आवाम को? आज के इस परिवेश में, समाज में लोगों को एक अधिकार जो शासन द्वारा मिलता है, तमाम सुविधाएं शासन प्रशासन द्वारा मिलती हैं, लेकिन उसका सदुपयोग इसलिए नहीं कर पाते कि उसमें कुछ बिचौलिए लग जाते हैं। और सबसे अच्छा ये है कि आज की सरकार अगर डायरेक्ट उनके खाते में सारी सुविधाएं दे रही है, सीधे सीधे कार्य उनके क्षेत्र में अगर कर रही है, तो उस पर भी उनका नज़र होना चाहिए और शासन के पोर्टल पर उनको शिकायत भी करना चाहिए कि यह कार्य शासन द्वारा सौंपा गया है और नहीं हो रहा है। इन शिकायतों को दूर करने के लिए, इसके निराकरण के लिए हम सब पत्रकारगण भी उपलब्ध हैं, हम लोगों का मोबाइल नंबर भी उपलब्ध है, जहां भी रहें हमें सूचित करें, हम उनकी बातों को शासन प्रशासन के सामने लाएंगे और उसके माध्यम से उनको भी एक प्रसन्नता होगी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में लगे हुए लोग ईमानदारी से उनके दुख सुख में लगे रहें। हम लोगों की यही मंशा भी है और आज तक पत्रकारिता के क्षेत्र में हमने यही किया भी है। अधिकारियों के द्वारा किए हुए कार्य से मेरा कोई समझौता नहीं, यदि जनता संतुष्ट नहीं है तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं तो उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ जो मुझे बार बार इंगित करते हैं कि फला स्थान पर ये चीज़ें खराब हो रही हैं, शासन द्वारा इतनी सुविधाएं दी जा रही हैं उनको मिल नहीं रही हैं, हमें बताते हैं, हम उनको अखबारों में अपने मीडिया के माध्यम से उनको प्रसारित करते हैं और कोशिश करते हैं कि इन लोगों का कार्य ईमानदारी पूर्वक हो और उसमें कोई भी जनप्रतिनिधि यदि गलत कहीं कर रहा हो उसके खिलाफ भी वह बोल सकता है, उसे पूरा अधिकार है, उसके खिलाफ भी मैं निकालूंगा। हमें किसी से समझौता नहीं करना है, यदि हम समझौता कर लेंगे तो शायद है कि क्षेत्र में समाज में कोई अच्छा कार्य होने वाला नहीं है। तो आज इस नववर्ष में, वर्ष 2023 में, हम लोगों से अपेक्षा करते हैं कि अपने सुख दुख को हमसे शेयर करें और मेरे लायक यदि जो संभव होगा उसे मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा और कहीं भी रहूंगा, यद्यपि मैं सुल्तानपुर में मेरा कार्यालय बन चुका है, वहां के हम ब्यूरो चीफ हो चुके हैं, फिर भी क्षेत्र में हमारी टीम लगी हुई है, उन टीम पर भी वो सूचना दे करके अपना समाचार, अपनी व्यथा निकलवा सकते हैं। और नवसत्ता एक ऐसा समाचार पत्र है जो पूरे उत्तर भारत में कई जिलों में इस समय प्रचलित है और लखनऊ का एक प्रमुख अखबार नवसत्ता अपने क्षेत्र में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। और हमेशा यह देखा जाता है जिस भी संस्था के प्रमुख अगुआ अच्छे होते हैं उनका कार्य भी अच्छा दिखता है और सबको उसका लाभ भी मिलता है। और सबके लिए इन्हीं कामनाओं के साथ आज मैं सभी से अपेक्षा करता हूं, अपने दुख सुख को हमसे शेयर करें, हमारे दुख सुख को वो भी देखें और कहीं भी किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी किसी के अड़चन डालने पर उनको रुकना नहीं है, वो सारी शिकायतें शासन प्रशासन से करें, यदि ना सुनवाई होती हो हम सबके पास आवें, हम सब उसके लिए आगे बढ़ करके काम करेंगे, उनके लिए काम करेंगे और सभी सुख समृद्धि उनके जीवन में आएगा, हम लोगों की यही कामनाएं हैं, हम लोगों की यही अपेक्षाएं हैं। और पत्रकारिता जगत में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, हम आपके दुख सुख को, हम आपकी परेशानियों को सबके सामने लाएं, प्रशासन के सामने लाएं, शासन के सामने लाएं। बेशक शासन ईमानदारी से कार्य चाहती है, यदि प्रशासन का कोई भी अधिकारी कर्मचारी कहीं भी गलत करता हो उसकी सूचनाएं हम तक प्रेषित करें, उसे मैं सार्वजनिक करूंगा और उनके जीवन में खुशहाली लाने का मेरा प्रयास होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने ईमानदारी और लेखन के बदौलत जिस तरीके से समाज की सेवा की और इस समय आप उसके एक अगले पायदान पे अग्रसर हो चुके हैं। 2023 में नौसत्ता के चीफ ब्यूरो हुए हैं। मैं अपने चैनल परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको ज्ञापित करता हूं और साथ ही जो आप अपने इस काम के बदौलत समाज का जो एक वीणा उठा रखा है कि जिसकी आवाज़ दबी होगी हम उसको जनमंच तक ले आएंगे, ये ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि आप दीर्घायु हों, आपको ईश्वर संबल दे, ईश्वर ऐसे ही अग्रसर आपको रखे। धन्यवाद।